आपसे जूनियर लोग को यंगर लोग को पद्मश्री मिल चुका है एंड डिस्पाइट योर फैबुलस जर्नी वो नहीं मिला है आप a... चाहिए भी नहीं। नहीं चाहिए। <laughs> आप तो लूंगा नहीं तो मुझे नहीं, <laughs> आप नहीं चाहिए हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं जी मीडिया एंड दिस इज वीकेंड शो विनीता कुमार इन कॉन्वर्सेशन टुडे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा विद अफवा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका थैंक यू uh, आप ना एक ऐसे फिल्म मेकर सर जो ना मतलब किसी भी प्रॉब्लम को या मुद्दे को इशू को ऐसे ना छोड़ नहीं देते यूनिवर्स में ऐसे मतलब ला ही नहीं कराने देते आप उसको पकड़ के कहानी वीव कर लेते हैं या डिस्कशन शुरू कर देते हैं अब वाह ऐसे किसी प्रॉब्लम का प्रोडक्ट है मतलब मुझे ऐसा लगा कि आ, आ, आज सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है वो अफवाह तो एक आ, फिल्म बनाई थी मैंने इस रात की सुबह नहीं तो उसमें एक एडवरटाइजिंग एग्जीक्यूटिव थोड़ा परेशान बैठा हुआ है एक पब में और एक गैंगस्टर आता है वो क्योंकि परेशान है तो थप्पड़ मार देता है और एक रात कुछ टेरर की शुरू हो जाती है उसके लिए तो वैसे ही एक मुझे लगा था बार बार लोग कहते थे वो फिल्म बनाओ फिर मुझे लगा अब उसको पुरानी फिल्म को फिर से क्या बनाना लेकिन ये उस तरह क्या एक स्ट्रक्चर बन सकता है कि अगर एक आदमी शरीफ उतर जाए गाड़ी से सही काम करने के लिए जैसा कहा जाता है कि भाई लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी हो रही है और फिर एक अफवाह शुरू हो जाती है उस अफवाह से उस ख़तरे में आ जाता है लेकिन अफवाहों का फिर मामला ये है कि अगर जो ये मॉन्स्टर जो है जिसका नाम अफवाह है दानव जो है अगर वो आ, एक बार उसको खुली छूट आप दे दो फिर वह जिसने अफवाह पैदा किए उसको भी काटता है वो माहौल में जब अफवाहें आ जाती हैं तो हम सब एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते सच क्या है वही भूल जाते हैं तो मतलब मैं इस तरह की उस पर आई थॉट अ ग्रेट बेसिस फॉर अ थ्रिलर been.

इट्स इट्स यू नो यू जस्ट राइट इड फ्रॉम विद इन सो आई जस्ट ट्रीट विमेन और एनीस कैरेक्टर जस्ट लाइक माई सेल्फ सो आई ऑल्सो थिंक दे केन बी रॉन्ग आई डोंट बाई इंडन कान बी रॉन्ग दे कैन बी राइट दे कैन बी रॉन्ग एंड देव राइट टू बी रॉन्गन वो बहुत ही कॉन्डिसेंशन है औरतों की अगर आप समझे ये बड़ा होता है भाई किसी कौम या औरतों को लेके ऐसा बड़ा कॉन्सिडियस अरे यार यार औरतों के बारे में गलत मत बोलो यार ये तुम्हें एक लड़की उसके बारे में ऐसा बोलोगे तो सारी अरे भाई यू नो यू आर इंसल्टिंग द होल रेस ऑफ वेमेन इफ यू कैन नॉट रिजेक्ट वन वुमन शी इज रॉन्ग द रेस्ट ऑफ ओकेट सो इफ यू इफ यू थिंक अप लाइक दैट आई थिंक इज फार इजियर रादर देन सेम वेरी जैसे मैं आपको सर अभी बता रही थी ना मैंने बेस्ट कॉन्वर्सेशन रहे हैं आपके साथ तो मेरे को एक बात याद है कुछ साल पहले आपने बताया था एक कॉन्वर्सेशन मेंटर अबाउट दैट बट आपको कहीं ना कहीं लगता है दैट आपसे जूनियर लोग को यंगर लोग को पद्मश्री मिल चुका है एंड डिस्पाइट योर फैबुलस जर्नी वो नहीं मिला है एंड वाइल्ड इट्स मुझे a, चाहिए भी नहीं नहीं चाहिए अब विभूषण देंगे तो लूंगा नहीं चाहिए तो अब <laughs> मुझे नहीं चाहिए ना आ, मुझे वो वे हो गया वो कोई उस उस मुझे उस कैटेगरी से बिल्कुल एतराज़ नहीं है जिनको नहीं मिला उनके साथ खड़े होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं मैं अच्छा हूँ मतलब अगर मैं, मैं मिला या ना मिला एज अ फिल्म मेकर कोई मैं पद्मश्री हो जाऊँ तो मेरी कोई फिल्म है तो देखने जाएगा नहीं पद्मश्री तो सुधीर मिश्रा चलिए फिल्म ना तो फिल्म तो लोग क्यों देखते हैं क्योंकि फिल्म एक्साइट करती है इंटरेस्ट करती है अच्छी है तो जितना आप रेलिवेंट रहोगे जितना आप इनफैक्ट अच्छा है आप ज्यादा ना रहें आप नॉर्मल रहें अच्छा।, अच्छा है वो आपने तो आप कुछ अलग हो गए ना आप पद्मश्री हो गए आपको सरकार ने कोई भी सरकार पे, दे पे, दे पे दे अच्छा। आपको मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया मुझे तो है ना और ना भी देंगे को मैं हजारों में थी तो अब मैं अच्छा हूं इस तरह से मुझे बिल्कुल ही अब बिटरनेस का एक बी भी नहीं है right. वो मेरी जिंदगी से निकल गया मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में बिल्कुल ही और मैं बहुत ही आ, उसको ऑनेस्टली और बहुत ही मतलब इसमें कोई ज़रा एक भी अंश झूठ नहीं है आई डोंट वॉन्ट इट आई एम हैप्पी विदाउट आउट सर इरफान सर का आपने बात किया एक जगह आपने बोला था कि इरफान खान जो हैं बहुत ही स्टबन एक्टर हैं और बहुत ही स्टबन पर्सन हैं रहे हैं आर एंड यू स्टबन फिल्म मेकर हाँ नहीं वो और मैंने हाँ बिल्कुल ही यू हैव टू इन अ सेंस देखिए क्या होता है हर आदमी आपको बहुत सुधारने की कोशिश करते रहते हैं लोग तो अगर आप ना सुधरें तो बेटर है मतलब इन द सेंस द यू शुड चेंज लॉट ऑफ पीपल हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड बट क्या यू नो एज अ फिल्म मेकर इट्स नॉट टोटली अ कॉन्शियस एक्टिविटी आपसे कोई कहता है यार आप ऐसी फिल्म कैसे बना क्यों नहीं बना लेते? अरे आप कोई ईश्वर थोड़ी ना हो यार आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हो हर आदमी की कुछ फितरत है उस फितरत के हिसाब से आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे आप बोलो यार इस तरह की फिल्म है आप कोई फिल्म है आप फला क्यों नहीं बना देते आप डेविड की फिल्में क्यों नहीं बना डेविड अपनी फिल्में बना सकता है इतना आसान नहीं है किसी की राजू ईरानी की फिल्म राजू ई ईरानी बना सकता है है ना तो आप अगर कोशिश करोगे अरे यार राजू की फिल्म बहुत चल गई अब थोड़ा राजू जैसी फिल्म बनाओ वो बहुत मुश्किल आप यू हैव टू फाइंड योर आप किस चीज़ से कनेक्ट करते हो और क्या होता है वो बीस बाईस साल की उम्र तक सब तय हो गया होता है आपकी फ़ितरत आपके माँ बाप आपका एजुकेशन आपके जो जो इश्क हुआ पहले जो भी सो हुआ जिंदगी में आपके तजुर्बे आपका नजरिया वो डिटर्मिन हो गया काफी हद तक तो आप वो सब चीजों का इस्तेमाल करके फिल्म बनाए ना तो आप अच्छी फिल्म बनाएंगे अगर आप सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं करोगे वैसे कुछ लोग ना उसको बोलते हैं कि कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते नहीं कम्फर्ट जोन से बाहर हाँ वो भी एक है लेकिन आप कभी कभी आपको हर फिल्म बनानी चाहिए जैसे कि वो पहली फिल्म है तो आप आप थोड़ा सा अपना जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना वो कंफर्ट जोन नहीं है वो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई अगर आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है आप अपने से बहुत मुतासर हो गए आपको लगता है कि वाह 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 ही मैं हूँ क्योंकि क्या होता है डायरेक्टर्स के साथ ये बड़ी परेशानी होती है सबका काम मिलके आप पे आ जाता है तो हो जाता है, फिल्म बाय राइट right. है ना जिस दिन आपने बड़ा सीरियसली ले लिया ना इसको इट इज अ फिल्म बाय सो मेनी आई मेक अ फिल्म विथ सो मेनी पीपल थ्रू सो मेनी पीपल देन आई हैव टू ग्रो इन अ सेंस कि अगर वही वही फिल्म बनाता रहूंगा मतलब उसी तरीके की फिल्म तो अगर वो फेमिलियर ट्रिक्स हो जाती है ना कुछ कि मैं शॉट ऐसे ले लूँ कुछ चिलवा दूँ फिर ऐसा कर दूँ सीन ऐसा कर लूँ उस ट्रिक्स के साथ अगर मैं तो फिर कुछ नया तो मेरा कहने का मतलब है वैरायटी से मेरे मतलब नहीं आप में ग्रोथ जो एक होनी चाहिए आप स्टक नहीं हो सकते अब ऐसा लग रहा है कि एक आदमी अपने आप को इन्वेंट कर रहा है वो समझ रहा है दुनिया बदल रही है तजुर्बे बदल रहे हैं माहौल बदल रहा है रिश्ते बदल रहे हैं हम बीसवीं सदी में ज़्यादातर लोग बीसवीं सदी में ही रह रहे हैं इक्कीसवीं सदी में आए नहीं हम ऐसे बातें कैसे करते हैं जो बीसवीं सदी में हमारे जन आ गए हम इक्कीसवीं सदी में है ना वो बच्चे जो हैं वो कुछ और सोच रहे हैं जो पैदा हुए मिसाल तो, के तौर पे जो उन्नीस में भी पैदा हुए वो भी जो है वो तीस साल के हुए तो दस साल के थे तो उन्होंने तो यही दशक देखा है ना और यही सब देखा है इक्कीसवीं सदी ज़्यादा देखी है तो वो तीस से अब पाँच साल की उम्र के लोग कुछ अलग सोच रहे हैं ना उनकी नज़रिया कुछ अलग है ये दुनिया कुछ अलग है आप उसको उन रिश्तों में चीज़ें पता नहीं कहाँ जा रही हैं तो उस ख्वाहिश आपकी वो डिस्कवरी आपके अंदर रहनी चाहिए ना आप में एक, एक जानने की ख्वाहिश जो है वो मरनी नहीं चाहिए उसकी उससे आपकी फिल्म में ग्रोथ आता है समझ में ग्रोथ आता है ना हम स्टैटिक तो नहीं रह सकते ना

Whatever. He, he release it. So, उस, और उसने मुझे ऑफर किया मैं तो ऐसी कुछ ट्विटर पर कुछ कह रहा था उसने कहा कि लेट्स टॉक तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि उसको थोड़ा बुरा लगा शायद थोड़ा सा जो मैंने कहा हर्ट हुआ होगा जो भी है तो उसने कहा टॉक स्टॉक मैंने कहा चलो बिकॉज माय इंटेंशन इज नॉट कि उसको बुरा लगे माई इंटेंशन इज देखिए क्या है पता नहीं लोग क्यों इतना हर संदर्भ अच्छा है और संदर्भ में हम काम कर रहे हैं अगर हम, मेरी फिल्म जैसे हज़ारों ख्वाहिशें मैंने बनाई थी वो 2004 में रिलीज़ हुई थी यूपीए का रूल था उसके बाद 2014 तक था मैं तो हज़ारों ख्वाहिशें का डायरेक्टर था हाँ तो मेरे को तो नेशनल अवार्ड में कंसिडर नहीं किया था दो में तो बासु चैटर्जी जो थे वो उसके चेयरमैन थे उस साल बहुत बड़े बड़े लोग थे उनमें से कई मेरे दोस्त भी थे जो भुजूरी में थे तो क्यों नहीं किया था मुझे नहीं मालूम लेकिन मैंने कभी कहा कुछ नहीं कहा ना क्योंकि जब मैं सबमिट करता हूँ जूरी को एक अवॉर्ड के लिए फिल्म तो फिर वो उनका जजमेंट है ना अब मैं क्या कहूँगा उनसे मैं तो नहीं कह रहा मुझे वोट दो मेरी मुझे पसंद करो ये तो नहीं मैं कह सकता अब जिसको उस वक्त अवार्ड मिला होगा उस जिस फिल्म को और आज हज़ारों ख्वाहिशें को तो हज़ारों ख्वाहिशें कहीं और है और वो फिल्में भूल गए लोग तो एक फिल्म का महत्व जो होता है ना इंसान का महत्व ना पद्मश्री से होता है और फिल्म का महत्व अवार्ड से नहीं होता अवार्ड वो होता है जो वक्त क्रॉस करे जो अपने वक्त से भी आगे तो आज जाने भी दे रहे कुंदन शाह की वो जो है वो अभी भी लोग बात करते हैं उसकी वो उसका फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है कि अभी भी इत, आज का ए में है उसकी जो बातें आप करते हो जिस तरह से आप बात करते हो उस जनरेशन को असर शान गारी भीम जो तो वो एक डियम में आ गया है थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको जिस तरह से वह पूरा नज़रिया आपको दिया है अभी भी जब कोई पुल टूटता है तो ट्विटर पे कोई जाने जाारों का कुछ बात होती है तो वो जो है ज़्यादा जरूरी है थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन सर अगेन जैसे मैंने कहा था बेस्ट फॉर मूवी अफवाह एंड ऑडियंस को और मेरे को स्पेशली ये हमेशा इंतजार रहता है कि कुछ एक और कंटेंट ड्रिवन आए आपकी साइड से कुछ एक और चीज देखिए फर्क नहीं आपको मैंने जो कहा सही कॉन्वर्सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्स थैंक यू सो मच थैंक यू